जय जिनेंद्र, ओमरम। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे त्रिपदी वंदना से। वंदनासन की मुद्रा में आ जाएं, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, लंबा गहरा श्वास लें। वंदे अरहं। श्वास भरें। वंदे गुरुवरं। श्वास भरें। वंदे सच्चं। श्वास भरें। आराम से बैठें। मंगल भावना, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए मंगल भावना करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद मेरे साथ दोहराएं। श्री संपन्नोऽहं स्याम्। शक्ति संपन्नोऽहं स्याम्। शांति संपन्नोऽहं स्याम्। नन्दे संपन्नोऽहं स्याम्। तेज संपन्नोऽहं स्याम्। शुक्ल संपन्नोऽहं स्याम्। मंगल भावना का प्रयोग संपन्न ध्वनि प्रयोग। ओम की ध्वनि 3 बार लंबा गहरा श्वास लें। ओ श्वास भरें। ओ महाप्राण ध्वनि, चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान पर केंद्रित करें। वहां पर होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करें। नाक से भौंरे के गुंजन की तरह लयबद्ध आवाज। 3 बार लंबा गहरा सांस लें।
उच्चारण करते वक्त चित्त को नाभि पर केंद्रित करें, 2 सेकंड अ का उच्चारण करें, रह का उच्चारण करते वक्त चित्त को आनंद केंद्र दोनों फुफ्फुसों के मध्य गड्ढे के स्थान पर केंद्रित करें, 4 सेकंड रह का उच्चारण करें और म का उच्चारण करते वक्त चित्त को विशुद्धि केंद्र कंठ के मध्य भाग से होते हुए ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान तक पहुंचाएं, 6 सेकंड में म का उच्चारण करें, अंतिम नाद 2 सेकंड सुनें, लंबा गहरा श्वास लें। हाथों को आगे श्वास भरें,
छोड़ें, बड़े छोड़ें, बड़े छोड़ें, राइट हैंड राइट गाल पर, एंटी प्रेशर, श्वास भरें, छोड़ें, बड़े छोड़ें, बड़े छोड़ें, लेफ्ट लेफ्ट गाल पर श्वास भरें, एंटी प्रेशर, छोड़ें, बड़े छोड़ें, बड़े छोड़ें, दोनों हाथ समन्वय मुद्रा, हाथों को गोलाकार घुमाएं, आगे से पीछे कोने मिलाते हुए श्वास भरें, छोड़ें, पुनः श्वास भरें, पीछे से आगे की ओर, छोड़ें, पूरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए कोने को मिला लें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, बड़े छोड़ें, राइट हैंड की कोहनी को लेफ्ट हाथ से ऊपर की ओर धक्का दें, पूरा खिंचाव दें, छोड़ें, लेफ्ट कोहनी को राइट से धक्का दें, छोड़ें, कमर के लिए लेफ्ट राइट, रिलैक्स। आज हम करेंगे लेट कर किए जाने वाले आसन, तो अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ साथल के पास, हथेलियां जमीन से लगी हुई, उत्तान पादासन, श्वास भरते हुए दोनों पैर 30 डिग्री, जहां पैर के अंगूठे दिखाई देने लग जाएं, उतना ऊपर, उससे ज्यादा ऊपर ना उठाएं, श्वास बढ़ते हुए अप, पेट में होने वाले तनाव का अनुभव करें, पंजे आगे की ओर खींचे हुए रहें, स्लोली डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स में दोनों पैरों के बीच एक से डेढ़ फुट का फासला, हथेलियों का रुख छत की ओर, तैयार, पुनः 10 की गिनती तक हम करेंगे, सांस भरते हुए 30 डिग्री अप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10, स्लोली डाउन, रिलैक्स, तैयार, 60 डिग्री, सांस भरते हुए दोनों पैर एक साथ अप, पंजे आगे की ओर खींचे हुए, घुटनों को सीधा रखने की कोशिश, पेट में होने वाले तनाव का अनुभव, टांगों में आने वाले खिंचाव का अनुभव, स्लोली डाउन, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ें, किसी भी आसन में अगर आप श्वास रोक कर नहीं रख सकते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग करें, सामान्य श्वास प्रश्वास से करें, पुनः शरीर तैयार, पुनः एक बार 60 डिग्री 10 की गिनती के साथ श्वास भरते हुए अप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
और द स्लोली डाउन रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दें। अब हलासन, दोनों पैर एक साथ 90 डिग्री तक ले जाए, श्वास बढ़ते हुए पंजे ऊपर की ओर खींचे हुए, दृष्टि पैर के अंगूठों पर। कुछ सेकंड रुकने का अभ्यास, नॉर्मल ब्रीथिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास। स्लोली डाउन रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दें। तैयार, हृदय स्तंभासन, दोनों हाथ पीछे के लंबे कर लें, दोनों पैर मिले हुए, सांस भरते हुए दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर जमीन से एक साथ ऊपर उठाएं। हृदय की तरफ देखें, स्लोली डाउन, पुनः एक बार सांस भरते हुए आ, डाउन रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दें। तैयार, अर्ध पवन मुक्तासन, पेट में अगर कोई विकार है, गैस विकार है, उसके लिए यह आसन महत्वपूर्ण है। जैसा कि नाम से विख्यात है, पवन को मुक्त करता है, इसलिए इसका नाम है पवन मुक्तासन। राइट पे सांस भरते हुए 6 इंच, राइट पे को राइट साइड में ले जाए, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए घुटना फोल्ड कर लें, सांस छोड़ हाथों से लो करें, सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाने की कोशिश, पेट पर का दबाव। श्वास बढ़ते हुए गर्दन नीचे, श्वास छोड़ते हुए पैर सीधा, रिलैक्स। तैयार, लेफ्ट पैर, श्वास बढ़ते हुए 6 इंच, लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड में ले जाए, श्वास छोड़ते हुए सीधा, श्वास बढ़ते हुए घुटना फोल्ड कर लें, हाथों से रोक करें, सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाने की कोशिश, पेट पर हल्का दबाव। सांस भरते हुए गर्दन नीचे, सांस छोड़ते हुए पैर सीधा, रिलैक्स। पूर्ण पवन मुक्तासन, दोनों पैर एक साथ, सांस भरते हुए 6 इंच, दोनों पैरों को राइट साइड में ले जाए, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए दोनों घुटने फोल्ड करें, हाथों से लॉक करें और सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाने की कोशिश। सांस बढ़ते हुए गर्दन नीचे, सांस छोड़ते हुए पैर सीधा, रिलैक्स। तैयार, पुनः एक बार सांस बढ़ते हुए दोनों पैर एक साथ 6 इंच, दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ले जाए, सांस छोड़ते हुए सीधा,
सांस भरते हुए दोनों घुटने फोल्ड कर लें, हाथों से लॉक करें और सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाने की कोशिश। श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास छोड़ते हुए पैर सीधा, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ते हुए। तैयार, सेतु आसन, दोनों पैरों को फोल्ड कर लें, दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लें। अब एड़ी से लगाकर कंधे के बीच के भाग को जमीन से ऊपर उठाएं, श्वास बढ़ते हुए आप, और कोशिश करें कि पंजों को नजदीक लें और पूरा उठें। स्लोली डाउन, पुनः एक बार श्वास भरते हुए अप, स्लोली डाउन, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दें। कोहनियों के बल बैठे, पूरा वजन कोहनियों पर ले लें, इस ढंग से कोहनियां जमीन पर लगी हुई, मुष्टि जमीन से लगी हुई, राइट पे 30 डिग्री, पंजा आगे की ओर खींचा हुआ, दृष्टि पैर के अंगूठे पर, पैर में होने वाले तनाव का अनुभव, खिंचाव का अनुभव। स्लोली डाउन, लेफ्ट अप, स्लोली डाउन, दोनों पैर एक साथ 60 डिग्री, अप, योगिक साइड, साइकिलिंग करें धीरे धीरे आराम से, पूरा पैर खोलें, पूरा फोल्ड करें, योगिक साइकिल। विपरीत उल्टा, और रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे लेफ्ट करवट बदलते हुए पेट के बल लेट जाएं, भुजंगासन के लिए स्थिति बना दें, दोनों पैर मिले हुए, नाखून जमीन से स्पर्श, दोनों हाथ कंधे के समानांतर 1-1 फुट की दूरी पर, ललाट जमीन से स्पर्श, श्वास बढ़ते हुए केवल गर्दन अप, गर्दन को इसी स्थिति में रखते हुए मुंह से फुफकारते हुए सांस छोड़े, श्वास बढ़ते हुए सीने का पूरा भाग अप, दृष्टि सामने रहे, डाउन, पुनः एक बार श्वास बढ़ते हुए अप, डाउन, दोनों हाथ करीब ले, कंधों से 6-6 इंच की दूरी पर, सांस भरते हुए केवल गर्दन अप, सांस छोड़े, सांस भरते हुए नाभि तक का भाग अप,
दृष्टि सामने, कमर के भाव को ढीला छोड़े, डाउन, पुनः एक बार श्वास बढ़ते हुए नाभि तक का भाव, डाउन, अब हाथों को थोड़ा साइड में रखें, श्वास बढ़ते हुए केवल गर्दन, मुंह से पुकारते हुए श्वास छोड़ें, श्वास बढ़ते हुए नाभि तक का भाग, पर साथ में कोहनियों को बेंड रखें, कोहनियों को ज्यादा ऊपर न उठाएं, कोहनियों में बेंड और छत की ओर देखें, पुनः एक बार श्वास बढ़ते हुए नाभि तक का भाग, दृष्टि छत की ओर, डाउन, रिलैक्स, बालासन में आ जाए, राइट कोहनी इस ढंग से फोल्ड करें, राइट घुटना फोल्ड करें, सिर को एक तरफ लिटा दें, मंद श्वास, तैयार नौकासन के लिए, दोनों हाथ आगे की ओर फैला दें, दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर जमीन से 6 इंच ऊपर उठा लें, जितना उठा सके उठाएं, डाउन, रिलैक्स, आराम की मुद्रा, लेफ्ट हथेली पर राइट हथेली, सिर को उसके ऊपर लिटा दें, पुनः एक बार श्वास बढ़ते हुए नौकासन, डाउन, रिलैक्स, धनुरासन, दोनों पैर फोल्ड कर लें, दोनों पैर के टखनों को पकड़ लें, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम वाले और हर्निया की तकलीफ वाले इसे न करें, श्वास बढ़ते हुए हाथों और पैरों के बीच खिंचाव देते हुए, डाउन, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दें, शर्भासन, दोनों हाथ साथल के पास, ठुड्डी जमीन से लगी हुई, दृष्टि सामने रहे, सांस बढ़ते हुए राइट पैर अब सीधा सीधा ऊपर उठाएं, स्लोली डाउन, लेफ्ट, सांस बढ़ते हुए अब स्लोली डाउन, दोनों हथेलियां जंगा के नीचे, हथेलियों का रुख जंगाओं की ओर, दोनों हथेलियों का सहारा देते हुए दोनों पैर एक साथ, स्लोली डाउन, रिलैक्स, आराम की मुद्रा, मकरासन, स्थिति बनाए, अब
चरित मकरासन करेंगे, दोनों कोनिया जितने आगे फैला सके फैला लेंगे। कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, उसका अनुभव करेंगे। गर्दन का भाव, पसलियों का दबाव, बीच में और भीतर की ओर, बीच में आगे, और बीच में एक एक पैर बारी बारी अप डाउन करेंगे। राइट से प्रारंभ करें, अप डाउन, 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 अप डाउन। कुछ सेकेंड रुके हैं। धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आए, दोनों हाथ साइड में, भुजंगासन की स्थिति, सांस बढ़ते हुए आ, सांस छोड़ते हुए शशांकासन, ललाट जमीन से स्पर्श, पूरे शरीर में तनाव दें, सांस बढ़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब आज एक हम विशिष्ट आसन करेंगे, उसका नाम है शीर्षासन। तो शीर्षासन के लिए तैयार हो जाएं, इस ढंग से आप आकृति बना लें। लेफ्ट हथेली जमीन पर इस ढंग से लगाएं, राइट लेफ्ट के ऊपर इस ढंग से लगाएं और मस्तक का भाग यहां लगा दें। आसनों का राजा है शीर्षासन, इससे शरीर के बहुत सारे विकार दूर होते हैं, मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगता है और पूरे शरीर का तंत्र सक्रिय होता है। स्थिति इस ढंग से बनाए, अब पैरों से हल्का सा झटका देते हुए ऊपर की ओर उठे और धीरे से एकदम सीधा किसी के निर्देशन में करें। ये ध्यान दें, जो नया नया अभ्यास करते हैं तो दीवार का सहारा लें या किसी को पास में खड़ा रखें, और नया नहीं 10 सेकंड करें, पांचों ऊपर तक जाऊं, ऊपर जाऊं, करो स्टार्ट। एक बार वापस ले लें, इस ढंग से आप स्थिति बनाएं, दोनों पैर सीधे करें और झटका देते हुए ऊपर की ओर जाएं। और धीरे पैरों को फोल्ड करें, धीरे धीरे नीचे की ओर आए और आराम से 2 मिनट रुकें, खड़े हो जाएं और रिलैक्स हो जाएं। शीर्षासन के बाद कायोत्सर्ग का अभ्यास करना आवश्यक है। आराम से बैठें, एक बार सिद्धासन में आ जाएं, लेफ्ट पैर की एड़ी को गुदा द्वार पर कस के लगा दें, राइट पैर की एड़ी लेफ्ट पैर की एड़ी के ऊपर एड़ी एकदम समानांतर। सिद्धासन की स्थिति, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, दृष्टि दोनों भ्रुकुटियों के बीच, 5 श्वास प्रश्वास गिनें, रिलैक्स। स्वस्तिकासन, लेफ्ट पैर के पंजे को राइट घुटने के बीच में फंसा दें, राइट का पंजा लेफ्ट घुटने के बीच में फंसाएं, बीच में एड़ी क्रॉस हो जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, दृष्टि नासाग्र पर, नाक के अग्रभाग पर देखें और 5 श्वास प्रश्वास गिनें।
रिलैक्स। अर्ध पद्मासन, लेफ्ट पैर नीचे और राइट पैर ऊपर, राइट की एड़ी नाभि के नीचे आ जाए, कमर गर्दन सीधी रखें। त्राटक का अभ्यास करेंगे, किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को टिका दें और बिना पलक झपकाए अपलक देखते रहें। आंखों में पानी आए तो आने दें, शुरू शुरू में पलकें झपकेगी, अपने आप स्थिर होगी। धीरे धीरे कोमलता से आंखों को बंद कर लें। आंखों के सामने जो भी रंग दिखाई दे रहे मात्र देखें और धीरे धीरे खोलें। दोनों पैर इस जगह से मिला लें, दोनों हाथ घुटनों पर, लेफ्ट राइट। बटरफ्लाई, तितली आसन डायबिटीज वालों के लिए विशेष फायदेमंद है। अप डाउन करें घुटनों को। एक बार अंधेरे ने शिकायत की ईश्वर से कि ईश्वर आपकी अदालत बड़ी भारी है और मुझे एक समाधान दे, ये सूर्य मुझे हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है, मुझे कहीं टिकने नहीं देता, जहाँ कहीं मैं जाता हूँ सूर्य मेरे पीछे पीछे आ जाता है और मुझे मिटा देता है, मुझे वहाँ से भागने को विवश कर देता है, उसका कुछ इलाज किया जाए। ईश्वर ने सूर्य को बुलाया और पूछा, ये क्या बात है, तुम्हारी शिकायत अंधेरा कर रहा है। उसने कहा, सूर्य ने कहा, आज तक तो मैंने अंधेरा कहीं देखा ही नहीं, एक बार आप मुझे अंधेरे से साक्षात्कार करा दे, अंधेरे से मुझे मिला दे, तो मैं कुछ समाधान दे सकता हूँ। कहते हैं, आज तक सूर्य ने अंधेरा कहीं देखा ही नहीं। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर जब ज्योति जग जाए, ध्यान की ज्योति जग जाए, ज्ञान की ज्योति जग जाए, ध्यान और ज्ञान की जब ज्योति जगेगी, अज्ञान का अंधकार अपने आप मिटेगा, उसको मिटाने की जरूरत नहीं, स्वतः ही मिटेगा और आत्म साक्षात्कार की ओर हम बढ़ते जाएंगे। और प्रेक्षा ध्यान हमें सिखाता यही है कि आत्म साक्षात्कार करें ताकि भीतर का ज्ञान मिटे, मैं कौन हूँ ये हम जान पाए। करें प्राणायाम, किसी भी सुखद आसन में बैठें, कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, चंद्रभेदी प्राणायाम। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों भ्रुकुटों के बीच, राइट नोस्टल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। लेफ्ट से धीमे धीमे श्वास भीतर भरें, राइट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें। इसकी दूसरी विधि, लेफ्ट से लें और लेफ्ट से ही छोड़ें, लेफ्ट से लें, लेफ्ट से ही छोड़ें, लेफ्ट से लें, लेफ्ट
लेफ्ट से ही छोड़ें, लेफ्ट से लें और राइट से छोड़ें। रिलैक्स, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, सूर्य वेदी प्राणायाम, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों भ्रुकुटों के बीच, राइट नॉस्टल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, राइट से धीमे धीमे श्वास भीतर भरें, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। दूसरी विधि, राइट से लें, राइट से ही छोड़ें, राइट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें और लेफ्ट से छोड़ें। रिलैक्स, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, कपाल भांति, सांस को तेजी के साथ छोड़ें, प्रयत्न पूर्वक छोड़ें। जैसे ही सांस छोड़ें, नाभि पर चोट हो, पेट भीतर की ओर पिचके, सांस लेने में कोई प्रयत्न नहीं, स्वाभाविक रूप से सांस लें। हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम वाले अथवा पेट का कोई अभी अभी ऑपरेशन किया हो तो सामान्य गति से करें, बाकी मध्यम गति से। थकान आ जाए, चक्कर आने लगे, पेट में खिंचाव होने लगे, तुरंत रुक जाए, जबरदस्ती न करें। सहजता के साथ पूरे मनोयोग पूरा करें, 50 की गिनती के तक के साथ कपाल भांति। मंद श्वास, मस्तिष्क में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव, झनझनाहट का अनुभव, सूक्ष्म भस्त्रिका, तेजी से श्वास प्रश्वास, पेट का हलनचलन साथ साथ चले, पेट में खिंचाव आए तो तुरंत रुक जाए, तरन करें। रिलैक्स, मंद श्वास,
अग्निशाह, श्वास को पूरा बाहर निकाल कर बाहर रोक लें और पेट को भीतर बार हिलाएं। हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले श्वास को ना रोकें, पूरा श्वास बाहर, पेट को हिलाएं। रिलैक्स, मंद श्वास। भ्रामरी प्राणायाम, नाक से भौंरे के गुंजन की तरह लयबद्ध आवाज करने, दोनों कान को अंगूठे से बंद कर लें, चलने वाली नाक आंख पर, मध्यमा नाक पर, मुंह पर, और नाक से भौंरे के गुंजन की तरह 5 बार आवाज करें। लंबा गहरा श्वास लें, शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा अथवा वितराग मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मन, ध्येय सूत्र, संपिक्खये द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें, पैर के अंगूठे से लगाकर सिर तक पूरा शरीर, शरीर का एक एक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है।
अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। ध्यान काल तक यही अवस्था बनी रहे। समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, आज हमने अनुलोम विलोम नहीं करवाया, इसीलिए नहीं करवाया कि हम आज समवृत्ति श्वास प्रेक्षा करेंगे। जो संकल्प के साथ कर सके संकल्प से करें, संकल्प से न हो सके तो अंगुलियों का सहारा ले लें। तो राइट की तर्जनी उंगली दोनों भुजों के बीच, राइट नॉस्ट्रल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अब लेफ्ट से धीमे धीमे लंबा गहरा सांस लें। राइट से धीरे धीरे छोड़ें। राइट से लें। लेफ्ट से छोड़े। लेफ्ट से ले। राइट से छोड़े। राइट से ले। लेफ्ट से छोड़े। लेफ्ट से ले। राइट से छोड़ें। इसी तरह लगातार करते रहें। पूरी जागरूकता, पूरी एकाग्रता, श्वास के प्रति पूरी सजगता, पूरी एकाग्रता।
चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के बीचों बीच केंद्रित करें, वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें, पूर्णिमा के चंद्रमा आदि चमकता हुआ श्वेत रंग ललाट के बीचों बीच साक्षात्कार करें। ज्योति केंद्र से श्वेत रंग के परमाणु को पूरी ललाट में फैला दें, पूरी ललाट श्वेत रंग के परमाणु से चमक रही है। शांति का अनुभव करें, शांति ही शांति, आनंद का अनुभव करें, अप्रतिम आनंद। दो तीन लंबे गहरे श्वास लें, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ लें। शरण सूत्र, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अरहं। धीरे धीरे दोनों हथेलियां आंखों पर लगा दें, हल्की गर्माहट का अनुभव करें और धीरे धीरे आंखें जमीन की ओर खोलें, फिर ऊपर की ओर। नमस्कार। ओम रेंग नमो अरहंतानं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओम रेंग नमो सिद्धानं। श्वास भरते हुए ऊपर मुद्रा बनाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओम रेंग नमो आयर्याणं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड में, श्वास छोड़ते हुए बीच में। ओम रेंग नमो वज्जायाणं। श्वास भरते हुए अनिमेष दृष्टि से ऊपर देखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओम रेंग नमो लोए सवसाहुणं। अंजलि मुद्रा, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए अर्पण कर दें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने आप को भावित करें, सभी उच्चारित करें, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत ज्ञान का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम 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 नम फ्रेश। अपने भीतर हास्य को प्रस्फुटित करें। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने
सिद्ध स्तवन लिखा और मैंने उनके चार पद्यों को, संस्कृत के उन पद्यों को मैंने पद्यानुवाद किया है हिंदी में। मेरे प्रभु वर मुझ पे कर दो करुणामयी दृष्टि, नाथ तुम मुझको दिखाओ आनंदमय सृष्टि। मेरे प्रभुवर मुझ पे कर दो करुणामय दृष्टि, जगत कष्टों से है पूरित नहीं कहीं आनंद, नहीं कहीं आनंद, मोह माया से हूँ आकृष्ट टूट जाए फन, टूट जाए फन। हे प्रभो, हे प्रभो, मोह संहरण हो दे ऐसी औषधि, मेरे प्रभुवर मुझ पे कर दो करुणामय दृष्टि। उपशम रूपी अमृत रस का पान मैं कर लूं, पान मैं कर लूं, वासना को छोड़ कर शुक्ल ध्यान को वर लूं, शुक्ल ध्यान को वर लूं। आत्मगुण प्रविष्टि, मेरे प्रभुवर मुझ पे कर दो करुणामय दृष्टि। जहाँ न जन्म है न जरा है न मृत्यु है न भय, न मृत्यु है न भय, नहीं कोई आवरण है, है केवल आनंदमय, है केवल आनंदमय। देख लो, देख लो मैं स्वयं भी तव नाममयष्टि, मेरे प्रभुवर मुझ पे कर दो करुणामय दृष्टि। स्थान अक्षय अरुज तुम्हारा है ज्योतिर्मय, है ज्योतिर्मय, कैसे पहुंचूं प्रभु तुझ तक, नहीं कोई आश्रय, नहीं कोई आश्रय। प्रशस्त गुणी, प्रशस्त गुणी उस ओर आऊं देई तदा कृष्टि, मेरे प्रभुवर मुझ पे कर दो करुणामय दृष्टि, करुणामय दृष्टि। आज का दिन हम सबके लिए आनंदमय हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। ओम अरहम।